आज वेजिटेबल खिचड़ी बनाएंगे। वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए जो भी सब्जियां घर में हैं, बीन्स, कैरेट, बैंगन, ग्रीन मिर्ची, अदरक, जीरा, काली मिर्ची, दरदरा कूट लिया है, करी पत्ता, टमाटो, नारियल, हरी धनिया, मूंग की दाल और चावल, आधा ग्लास मूंग की दाल, एक ग्लास चावल, इसको अभी चोंक लगाएंगे, घी, थोड़ा ऑयल और घी डाल के, सरसों, अदरक, मिर्ची, करी पत्ता, हींग, हल्दी, इसमें सारी सब्जियां डाल रही हूँ। एक मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। अभी टमाटर डाल रही हूँ। और जो दाल और चावल भिगाया है उसको भी इसमें डाल रहे हैं। दाल, चावल, नारियल, ग्रीन धनिया, नमक, स्वाद अनुसार नमक। एक ग्लास चावल में 6 ग्लास पानी पड़ता है। 3 विसल लेने से खिचड़ी रेडी, वेजिटेबल खिचड़ी रेडी। इसको मैं सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ।